talk about, what they talk about in movies. Our love is what they talk about, what they talk about. Yeah, we were wild and free, and you know everything about me. What's up guys, good morning, welcome back to my new episode. और आज के ब्लॉग में आप लोग देखने वाले हैं हम लोग रॉकी आइलैंड कैसे जाते हैं और रॉकी आइलैंड में हम लोग क्या क्या करते हैं। और रॉकी आइलैंड आप लोगों को बहुत सारा टूर देने वाला हूँ रॉकी आइलैंड के बारे में, और रॉकी आइलैंड का जो भी है मैं आप सभी को सब कुछ दिखाने वाला हूँ। रॉकी आइलैंड में क्या क्या है टूरिज़म के रिलेटेड, और आप लोग कैसे रॉकी आइलैंड आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से। ओके, तो दिस इज़ फॉर दिस ब्लॉग, और आज के ब्लॉग में आप लोगों को ये सब मिलने वाला है, तो ये ब्लॉग लास्ट तक एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए बिना डाइवर्स के ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। Like you, be strong to hold the powers of the sun. Dream, believe in strength, now I'm the only one, I was an ordinary boy. Finally हम लोग लावा आ चुके हैं आफ्टर अ 25 मिनट्स ऑफ जर्नी। सो यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं रॉकी आइलैंड के लिए या फिर गुरुबथान के लिए, और वहाँ से रॉकी आइलैंड। तो चलिए देखते हैं आगे ब्लॉग में क्या क्या होता है। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब। हम लोग लावा से निकल चुके हैं, और लावा से निकलने के बाद हम लोग इस माउंटेन व्यूज़ वाला जर्नी में आ चुके हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे माउंटेन व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ से, और इस माउंटेन व्यूज़ को देख के मेरे दिल में आप लोगों को भी दिखाने का आइडिया आया। तो आप लोग इस जर्नी को देखिएगा, जो भी माउंटेन्स व्यूज़ है वो इस जगह में सिर्फ आप लोगों को मिलेगा ड्यू टू सम फॉगी वेदर। तो इसकी वजह से आप लोगों को बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, और जो भी थिंग है, जो भी रियलिटी है वो है बहुत अच्छा माउंटेन व्यूज़ यहाँ से आता है, और यहाँ से ही सिर्फ आता है। तो अगर आप लोग ये माउंटेन व्यूज़ इंजॉय करना चाहते हैं तो एक बार तो बनता है ज़िंदगी में, और लाइफ में एक बार तो बनता है इस रोड से क्रॉस करके आप लोग आ सकते हैं। सो हम लोग एक डेस्टिनेशन में आ चुके हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक मंदिर है, जिसमें हम लोग इस एक पत्थर के ऊपर मंदिर है, और जिसमें हम लोग चढ़े हैं, और यहाँ से व्यूज़ देख सकते हैं। यहाँ से नीचे एक रिवर है, और यही है रिवर। बहुत सारे रॉक्स हैं, बट ये रॉकी आइलैंड नहीं है। तो आगे में रॉकी आइलैंड आप लोगों को मिलने वाला है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये अमेजिंग डेस्टिनेशन क्रॉस करके हम लोग फिर से गुरुबथान के लिए निकल चुके हैं, और गुरुबथान के लिए निकलते हुए साइड व्यूज़ एंजॉय करते हुए मैं एंजॉय कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे कुछ और भी हो रहा था। जो भी है वो थोड़ा हेडेक भी हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे टर्निंग्स हैं ये रोड में, और अगर आप लोग प्लेन से आ रहे हैं तो बहुत सावधानी से आइएगा, क्योंकि ये जगह में बहुत लोगों का जो भी है तबीयत ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह से आप लोग अच्छे से आइए, धीरे धीरे आइए, बट सेफली आइए। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द जर्नी अबाउट, एंड चलिए आगे का जर्नी अभी बाकी है, तो चलिए इन्जॉय करते हैं। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनों जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनों बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब, तुझे रब की कोई खोज नहीं। फाइनली हम लोग गुरुबथान एंट्री कर चुके हैं और गुरुबथान एंट्री करने के बाद हम लोगों को डुअर्स की तरफ मूव करना होगा। डुअर्स की तरफ मूव करके और डुअर्स के साथ ही एक तो रोड है जो कि रॉकी आइलैंड जाता है और उस रोड को फॉलो करके हम लोग रॉकी आइलैंड जा सकते हैं। तो चलिए रॉकी आइलैंड में आप सभी से मिलता हूँ, आगे इंजॉय कीजिए। आप लोग अगर कंफ्यूज हो गए हैं रोड्स तो आप लोग गूगल मैप को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लोग जो भी लोकल पीपल हैं उससे पूछ सकते हैं कि रॉकी आइलैंड का वे कहाँ से है, तो आप लोगों को वो लोग गाइड कर देंगे। ओके, सो मेनली ये कंफ्यूजन जो भी है वो बात है। सो आप लोग एक केप जो भी है वो पूछ के आप लोग ले सकते हैं। ओके, फाइनली हम लोग रॉकी आइलैंड पहुंचने वाले हैं और ये है जो भी फॉरेस्ट जो कि बीच में पड़ता है। ओके, सो हम लोग रॉकी आइलैंड पहुंच गए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नीचे का जो भी है वो सब होमस्टेज हैं और जो भी है एक तो बड़ा होटल भी है वहाँ पे। सो ये है रॉकी आइलैंड का विलेज और इसका नाम क्यों रॉकी आइलैंड हुआ चलिए आगे वीडियो में आप लोगों को मैं बताता हूँ। इसके लिए आप लोगों को ये वीडियो टिल एंड तक देखना होगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना होगा। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं, फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना होटल और जो भी है वो पीछे वाला होटल है और यहाँ पे गाड़ी पार्क करके अब चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रॉकी आइलैंड। शोरों से शुरू करता हूँ इतिहास में, सपने भी देखे थे बैठ के क्लास में, केक लंबी सी गाड़ी और बड़ा सा घर, माँ बाप भी घूमे जहाज में, टेलिंग में नाज है सब कुछ अब पास है, एक टाइम पे ब्रोक थे बात वो पास्ट है, नाउ वे क्रोसिंग द रोड खलास में, जो मेरे सगे थे आज भी साथ हैं, अब मिलियंस पे व्यूज और खाते भी लाख्स में, 16 कमा के हम उड़ाते 60 है, नफरत को सहना छोटे वो भी आर्ट है, सामने गोल्स और हाथ में डांट है, भूल जाए कभी मिस ही नहीं किया दोस्ती यारी में, स्निचिंग ने किया नो पे द बिल्स एंड लिविंग अ लाइफ नो प्लेडिंग अराउंड, सब खुद ही से किया जो नंबर तेरा मेरा बैंक अकाउंट है, हेटर्स की गालियां गीत का साउंड है, तुम्हें तो लगता है ये सब कुछ आसान, जो रातें ना सोया वो बेहिसाब है, याद है आज भी मुझे वो दिन जब ट्यूशन के फीस से लिया वो कैम था, सोचा था डालूंगा एक दो वीडियोस मिलियन में सब्स पर मेरा वो वैम था, सहना था मुझे ये दर्द, सपने बने मेरे कंधों पे कर्ज, करने को कर लेता मैं भी अयाशियां पर इनका बड़ा मैं वो भी एक फर्ज, अब थोड़ा सा फील जो करूं मैं लो तो थामने आ जाते। मॉर्निंग पीपल, दिस इज द नेक्स्ट डे ऑफ द सेम एपिसोड और आज के दिन मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ या फिर बताने वाला हूँ रॉकी आइलैंड का नाम क्यों रॉकी आइलैंड हुआ। तो देख सकते हैं ये होम स्टे रॉकी आइलैंड का है, तो इसकी वजह से इसका नाम रॉकी आइलैंड हुआ है क्योंकि ये सबसे पहला होम स्टे था यहाँ का, तो इसकी वजह से इसका नाम रॉकी आइलैंड हुआ है। ओके, तो हम लोग आके कुछ खाना वाना खा के सो गए। तो कल रात को मैं थका था तो इसलिए ब्लॉग नहीं किया, तो दिस इज़ फॉर दिस ब्लॉग। और आप लोग देख सकते हैं रॉकी आइलैंड में क्या है, आप लोग जानना चाहते हैं तो रॉकी आइलैंड में रिवर है और बहुत सारे रॉक्स है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक तो ब्रिज भी है और यहाँ से आप लोग क्रॉस कर सकते हैं। और मैं जा रहा हूँ जॉगिंग करते हुए ऊपर तक जो कि एक होम स्टे है उधर पे, तो वहाँ पे जाके आप लोगों को और भी दिखाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए आगे जाके देखते हैं। फिर खड़ा हुआ हूँ ब्रिज में और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये लोहा का ब्रिज है और यहाँ पे रिवर आ रहा है वहाँ से वहाँ तक जा रहा है। और तो आगे फ्यूचर में बने रहिए, इस यूट्यूब चैनल से आप लोगों को बहुत चीज़ मिलने वाला है, यहाँ का बहुत सारे डिटेल्स और भी मिलने वाले हैं, बहुत सारे टूरिज्म रिलेटेड ब्लॉग्स या फिर टूरिज्म रिलेटेड थिंग्स और भी मिलने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल से और आप लोगों को और भी सब कुछ मिलने वाला है इस चैनल के थ्रू। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रॉकी आइलैंड में क्या है, तो रॉकी आइलैंड में रॉक्स है और जो भी है रिवर्स है और यहाँ का टूरिज़म जो भी है नॉर्मली बहुत जगह से बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ हमें ऑलरेडी इस्टाब्लिश जगह है। ओके, ऑलरेडी इस्टाब्लिश। और यहाँ का वेदर कितना अच्छा है मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें यहाँ पे उतना गर्मी भी नहीं है उतना ठंडा भी नहीं है। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर का जो भी है वेदर है इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट रहते हैं। तो आप लोगों को रिवर का जो भी कलर है वो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, रिवर का कलर जो भी है वो वाइट है और वाइटिश है। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वो वाइटिश है। ओके, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए जॉगिंग करते हुए आगे तक जाते हैं और आगे तक आप लोगों को वहाँ से व्यू मैं देता हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। छोटे छोटे आप लोग जो भी देख रहे हैं ये सब होम स्टे हैं और यहाँ से होम स्टे स्टार्ट होता है और वहाँ पे भी है होम स्टे जो कि होटल जैसा है, जो भी कॉटेज नहीं है। तो देख सकते हैं ये होम स्टे है और आगे में एक तो बड़ा होटल भी है, तो वहाँ तक जाते हैं हम लोग। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और इस जगह में वो एक तो होटल है, रिजॉर्ट है और यहाँ पे भी आप लोग बुक कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव इन रॉकी आइलैंड। जो भी टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और इन्जॉय करते हैं रिवर में। और जो भी है टेम्परेचर तो वो नॉर्मल भी है, नॉर्मली है। ओके, आके फिर से रेस्ट करके मेथली बाज़ार भी गए थे और वहाँ का आप लोगों को शॉर्ट क्लिप आप लोगों को मिल जाएगा, बट फुल वीडियो नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग बिज़ी हो गए थे उसके लिए। ओके, सो गया और चलते हैं आगे तक और कुछ स्पॉट्स मिलते हैं तो उसका फ़ोटो खींचते हैं। इसलिए आगे ब्लॉग भी बने रहिए। ओके, ब्रिज है और रॉकी आइलैंड से वो रिवर तक आप लोग जा सकते हैं, बट जून, जुलाई एंड अगस्त एंड सितंबर में भी आप लोगों को मिलेगा। मे बी जून, जुलाई एंड अगस्त तक आप लोगों को अलाउ नहीं है रिवर तक जाने के लिए। ओके, क्योंकि बहुत सारे जो भी रिवर का पानी है वो बढ़ चुका है और आप लोग उसमें कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे पुलिस बैठती है और आप लोगों को अलाउ नहीं है। तो आप लोगों को जून, जुलाई एंड अगस्त में आप लोगों को नहीं आना है। ओके, आना है तो आप लोगों को सिर्फ आप लोगों को रिवर तक जाने का परमिशन नहीं मिलेगा। बट बहुत सारे होम स्टे हैं जो कनेक्टेड हैं, बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं जो कि कनेक्टेड है ओके रिवर से, तो वहाँ से आप लोग रिवर का भी मज़ा ले सकते हैं वो सब रिजॉर्ट्स बुक करके। ओके, तो दिस इज़ स्मॉल गाइड फॉर यू और मे बी ये हेल्प करेगा आप लोगों को यहाँ आने के लिए। ओके, चलिए देखते हैं, हम लोग तो बढ़ते जा रहे हैं अपनी जॉगिंग में। ये देख सकते हैं आप लोगों को ये छोटा सा और यहाँ से कुछ प्लानिंग हो रहा है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से नीचे जाने के लिए ये सब सड़क है। ओके, तो यहाँ से कुछ प्लानिंग हो रहा है, आप लोग आगे फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं बहुत सुकून वाला स्लीप था लास्ट नाइट, क्योंकि ये जो भी है साउंड रिवर का और इसकी वजह से बहुत अच्छा नींद आता है, क्योंकि ये थोड़ा मेडिटेशन का साउंड होता है ना, वैसा लगता है। ओके, मुझे तो मेनली आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके तो आप लोग देख सकते हैं ये। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने तो कह दिया आने के लिए बट मैंने नहीं कहा कि कहाँ से बुकिंग करें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आप लोग बुकिंग कर सकते हैं मेरे थ्रू या फिर आप लोग टूर हब थ्रू बुकिंग कर सकते हैं। टूर हब प्रेजेंट्स अफोर्डेबल प्राइस बुकिंग फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल एज बुकिंग ऑफ होम स्टे, बुकिंग ऑफ रिजॉर्ट्स एंड lots more, and you can also book the vehicles and guide also. okay so tour hub में आप लोग सब कुछ बुक कर सकते हैं। ओके और वहाँ से आप लोग डिस्क्रिप्शन वाला लिंक में से जाके टूर हब में बुकिंग कर सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके से शुरू करता हूँ। इतिहास में सपने भी देखे थे बैठ के क्लास में केक, लंबी सी गाड़ी और बड़ा सा घर, माँ बाप भी घूमे जहाज में, टैलिंग में नाज है सब कुछ अब पास है। एक टाइम पे ब्रोक थे बात वो पास्ट है, नाउ वे क्रोसिंग द रोड खलास में। जो मेरे सगे थे आज भी साथ हैं, अब मिलियंस पे व्यूज और खाते भी लाख्स में। 16 कमा के हम उड़ाते 60 है, नफरत को सहना छोटे वो भी आर्ट है। सामने गोल्स और हाथ में डांट है, भूल जाए कभी मिस ही नहीं किया दोस्ती यारी में, स्निचिंग नहीं किया। नो पे द बिल्स एंड लिविंग अ लाइफ, नो प्लेडिंग अराउंड, सब खुद ही से किया। जो नंबर तेरा मेरा बैंक अकाउंट है, हेटर्स की गालियां जीत का साउंड है। तुम्हें तो लगता ये सब कुछ आसान, जो रातें ना सोया वो बेहिसाब है। याद है आज भी मुझे वो दिन जब ट्यूशन के फीस से लिया वो कैम था, सोचा था डालूंगा एक तो वीडियोस मिलियन में सब्स पर मेरा वो वैम था। सहना था मुझे ये दर्द, सपने बने मेरे कंधों पे कर्ज, करने को कर लेता मैं भी अयाशियां पर, घर का बड़ा मैं वो भी एक फर्ज। अब थोड़ा सा फील जो करूं मैं लो तो थामने आ जाते मिलियंस में लोग, सब गेम में सोलो मैं करता हूँ वाइप आउट इंग्लैंड में। बाकी क्या लगता ये बॉट है नाम, जिस लूजिंग इट आउट इस सीन में, मुंह पे ये भाई भाई पीछे नमकीन से मैं भी अब ट्रिपिंग इट आउट या फील में। ये साले खींच हुए जानी में झील है, अभी तो व्यू भी पहुंचा है मिले तो वेट कर जानी ये इंस्टा की रील है। अभी तो गेम में आया भी नहीं हो तुम साले, नाली में डेरी की झील है ब्रो, खुद पे यकीन है ब्रो तुम साथ